सर क्या ये जरूरी है कि एक सक्सेसफुल एंड एंटरप्रेन्योर होने के लिए हमारे पास डिग्री हो, हम किसी अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ें? ऐसा नहीं हो सकता कि सर हमारे अंदर कुछ एक, हम देख रहे हैं कि हमारे एरिया में या कहीं पर भी किसी चीज़ की एक ज़रूरत है, एक नीड है, हम उसे आइडेंटिफाई करें और उसके हिसाब से हम उस पर काम करना शुरू करें और फिर हम एक अपनी कंपनी खोल सकें। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ बिल गेट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट, स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट, मार्क ज़करबर्ग कॉलेज ड्रॉप आउट, एंड सर आपसे अच्छा आप क्यों आए हैं फिर यहाँ पढ़ने के लिए? यस सर, इसलिए पढ़ रहे हैं आप यहाँ? सर एक्चुअली हमें जब इंडिया में मेन थिंकिंग पेरेंट्स की ये बन गई है कि बच्चे को कॉलेज भेजो, थोड़ा पढ़ लेगा, लिख लेगा, किसी जगह नौकरी कर लेगा, कोई पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा बड़ा होके कोई एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेसमैन बने, वो और बंदों को जॉब्स दे। सब ये सोचेंगे कि हमारा बंदा जॉब करे, हमारा बेटा जॉब करे, बेटी जॉब करे, कोई ये नहीं सोचेगा कि वो किसी को जॉब दे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। तो सर मैं इस बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे मैं हूँ सर, 12th क्लास के बाद सर मैं अपना काम शुरू करना चाहता था, लेकिन मेरे को भेज दिया गया जाओ यूनिवर्सिटी जाओ, डिग्री लाओ, 4 साल, उसके बाद कुछ करना। 4 साल बाद सर मेरे पास एजुकेशन लोन होगा, उसकी EMI 15,000 रुपये महीना होगी, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा सर? दैट्स द इशू आई एम फेसिंग। सबसे पहले आपने को एक बात समझनी पड़ेगी और समझ के उसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको पूरी तरह से समझ में आएगी जब तक बात। 3 चीज़ें हमको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, 3 चीज़ें, बल्कि मैं चौथी भी रखूँगा अभी फ़िलहाल। जब हम लोग अपने बिजनेस में किसी को रिक्रूट करते हैं तो हम 3 चीज़ें देखते हैं, उसकी नॉलेज क्या है, नॉलेज कम्स फ्रॉम एजुकेशन, एक्सपीरियंस क्या है, ज़्यादा करके कंपनियां यही 2 चीज़ें देखती। लेकिन हमने अपने यहाँ प्रैक्टिस करना शुरू किया कि हम टैलेंट देखते हैं, और टैलेंट जो चीज़ है वो आपके अंदर या तो है या नहीं है, वो सिखाई नहीं जा सकती, ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड, एक्सपीरियंस कैन बी एक्वायर्ड, बट नॉट द टैलेंट। जिन लोगों का आपने नाम लिया उनके अंदर टैलेंट था, उन्होंने अपने आप के टैलेंट को पहचाना, उस टैलेंट को पहचान के उन्होंने रिस्क लिया, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। आप भी कर सकते हैं, आप में से हर आदमी कर सकता है, हम में हर एक व्यक्ति में टैलेंट किसी न किसी तरह का होता है। और आप कहेंगे कि जी टैलेंट, हम अपना टैलेंट पहचाने कैसे? वो पहचानने के लिए आपको खुद को देखना पड़ेगा। योर रिपीटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर इज व्हाट इज योर टैलेंट। मैं किस्सा कई जगह बताता हूँ इस तरह की बात। हमारे दोस्त हैं एक IAS ऑफिसर, बड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं, अभी भी हैं, अपने बेटे को IAS अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन वो बच्चा घर से भाग गया। उनको 3 महीने तो पता लगा कि वो बम्बई में पहुंच गया और किसी म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ नौकरी कर रहा। धीरे धीरे बढ़ के उनको जब पता लगा तो मेरे पास आए वो, उन्होंने कहा कि सुभाष जी बेटा ऐसे ऐसे निकल के आ गया, निकम्मा है, बेवकूफ़ है, 10 तरह की गालियाँ दे दी उसको। मैं उस बच्चे से मिला तो मैंने उस दोस्त को कहा कि यार आप उसको जो ये करना चाहता है वो करने दीजिए, उसके अंदर जो टैलेंट है वो म्यूज़िक का है। उसको जब पूछा, थोड़ी देर बातें पूछी कि भाई बचपन में क्या करते थे, म्यूज़िक सुनता था, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलता था, बार बार जो भी कुछ हो तो वो म्यूज़िक की जानकारी पूरी रखता था। अब उस लड़के में अगर वो टैलेंट था तो आप IAS ऑफिसर उसको बनाओगे तो नहीं कर पाएंगे, जैसे आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि जी मैं अब 4 साल, एक तो 4 साल गवा दिए, उसके बाद वो जो एजुकेशन लोन लिया वो मैं सारी ज़िंदगी उन्होंने पे करता रहूँगा। तो Now that boy is after 3 years
He is a very good music director. He is making lots of money. तो टैलेंट पहचानो अपना, ये एक बड़ी बात है और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा. बहुत से आप यूथ आप में से होंगे जिनको घर के अंदर खुद का टीवी अगर ख़राब हो गया उसको भी ठीक कर लेंगे, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है ख़राब हो गया वो भी ठीक कर लेंगे. अड़ोस पड़ोस के भी लोग बुलाने लगते हैं कि यार कोई काम ख़राब हो गया तो उसको बुला लो, वो जानता है. तो यू हैव दैट टैलेंट टू बिकम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, गो इन टू दैट स्टडी. और पुरानी जो एजुकेशन की जो हमारे यहाँ पद्धति थी ओल्ड टाइम बिफोर द ब्रिटिशर्स फिनिश दैट एजुकेशन सिस्टम, वो थी ये कि हर इंडिविजुअल को गुरु पहचानता था कि उसका टैलेंट क्या है और उसके मुताबिक उसको उसकी एजुकेशन दी जाती थी ताकि उससे वो एक्सेल करे, उसी चीज़ में एक्सेल करे. यही चीज़ आपके बिजनेस की है. आपको अगर कामयाब होना है तो अपने टैलेंट के हिसाब से बिजनेस भी चुनिए. जो आप करना चाहते हैं वही चीज़ करेंगे तो उसमें आप ज़्यादा कामयाब होंगे. एक्चुअली दिस इज़ नॉट माई क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू एड अ पॉइंट हियर कि हम सब लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो फोर्सफुली भेजे गए अपने पेरेंट्स से, पर पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं और अगर हम 4 साल की भी बात करें तो फिर 4 साल वेस्ट क्यों होंगे? अगर हम 9 to 5 क्लासेज भी अटेंड करते हैं, वे लॉट्स ऑफ टाइम, वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू हेयर, वी कैन गेट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वी हैव ऑनलाइन सिस्टम एंड ऑल. इन द यूनिवर्सिटी इट्सेल्फ वी आर प्रोवाइडेड विद सो मेनी ऑफ थिंग्स. बट अगर हम ये ब्लेम करें कि अगर हम 4 साल यहाँ पर आके अपने वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात होगी. जो भी हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं. लर्निंग इज़ नॉट एट ऑल बैड. इफ़ यू आर गोइंग इन टू बी टेक, हम वहाँ से भी कुछ सीखेंगे और वो चीज़ भी हमें कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है. सो बींग असर्टिव एट एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इज़ द बेस्ट वे वी कैन हैंडल आर एनी ऑफ द सिचुएशन. वेरी गुड पॉइंट.